शुभ मंगल ज्यादा सावधान। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है जहां आयुष्मान खुराना कार्तिक नाम के एक गे लड़के का किरदार निभा रहे हैं। उन्हीं के साथ उनके को एक्टर है जितेंद्र कुमार अमन त्रिपाठी का किरदार फिल्म में निभा रहे हैं। अब फिल्म की शुरुआत होती है जहां दोनों मिलकर एक अपने फ्रेंड को भगाते हैं और उसकी शादी कराते हैं। अब दोनों भाग के अमन के घर आ जाते हैं इलाहाबाद। अब अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जहां उसके घर में शादी का माहौल है। अब उसके चाचा चाची और मम्मी पापा कजन सब साथ में रहते हैं। जहां उसके कजन की शादी हो रही है अब सब दोनों घर पहुंचते हैं तो नॉर्मली सब उनको दोस्त समझते हैं, भाई लड़का लड़के हैं तो दोस्ती होंगे। हाँ, पर सिचुएशन तब बदलती है जब अमन के पापा को पता चल जाता है कि भाई हमारा लड़का किसी लड़की से नहीं लड़के से प्यार करता है। दोनों को किस करते हुए वो देख लेते हैं ट्रेन में। अब यहाँ से दोनों की बैंड बजनी चालू होती है जहाँ हर कंडीशन पे अमन को कार्तिक से दूर रखा जाता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगी, हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे बारे में लोग क्या क्या बोलेंगे। इससे बहुत सारे सवाल उनके अंदर चलते हैं जिन्हें वो हर हाल में कार्तिक और अमन के ऊपर लागू करना चाहते हैं कि भाई गलत है ये चीज, लड़का लड़का एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। हद तो जब हो जाती है जब अमन की माँ बोलती है इस बीमारी का इलाज है, तू पंडित के पास जा, वहां वो तेरी पुनर्जन्म वाली विधि करेंगे तो उससे तेरा ये दोष निकल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे भी वो बात खत्म नहीं होती है। अब अमन के पापा एक लड़की लेकर आ जाते हैं कि भाई तुझे इससे शादी करनी है। अब लड़की से शादी करनी है, अब वो जबरदस्ती करते हैं पर अमन मना करता है। थोड़े टाइम के लिए तो स्ट्रगल करता है बंदा बट तू फिर मान जाता है क्योंकि अमन के पिताजी उसे धमकी देते हैं, यदि तूने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। यार बंदा मान जाता है पर कार्तिक पीछे नहीं हटता। वो बोलता है प्यार हमारा है तो फाइट भी हम ही करेंगे, यदि हम पीछे हट गए तो हमारा क्या होगा, हमारे लिए कौन फाइट करेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा देता है अमन को मनाने में कि तू ये शादी मत कर। पर फिल्म अपने जो मैसेज है ना क्लियर वाला कि भाई प्यार तो प्यार है, प्यार किसी से भी हो सकता है, एग्जैक्टली यही फोकस रहता है। फिल्म में इतनी अच्छी कॉमिक टाइमिंग है कि इतने गहरे मुद्दे को भी इतने सरल तरीके से हमें बता दिया गया। और जो आयुष्मान खुराना है ना वो अपने रोल को इतने अच्छे से निभाते हैं, एकदम सहजता से। बंदे ने नोज रिंग डाली है फिल्म में। नॉर्मल लोग बात करना पसंद नहीं करते इस टॉपिक पर और वो फिल्म बनाते हैं। जब वो ये फिल्म बनाते हैं ना इस नेचुरल टॉपिक पर तो उनकी फिल्म बोलती है या पर्दे पर भी बोलती है और हमारी सिचुएशन जो लाइफ में होता है ना उसे भी बोलती है। जब आप उनके किरदार को देखते हैं ना, उनके मम्मी पापा को देखेंगे, उनके चाचा चाची को देखेंगे, एक फैमिली सिचुएशन देखेंगे तो कुछ तक आप रिलेट करने लगते हैं अपने आप को कि ये तो हमारी फैमिली जैसी थोड़ी बहुत सिचुएशन है। अब फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है जहां फिल्म का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, प्यार तो प्यार है, प्यार जरूरी नहीं कि हर बार लड़की से ही हो। और बहुत सारे मैसेजेस के साथ फिल्म एंड हो जाती है और एक प्यारा सा क्लाइमेक्स हमारे सामने आता है। फिल्म को डायरेक्ट हितेश ने किया है। फिल्म में जो वो मैसेज देना चाहते थे वो क्लियर रूप से उन्होंने दिया है। इससे पहले भी इस टॉपिक पे बहुत सारी फिल्म बनी है जिनका फोकस सिर्फ इस सेक्सुअलिटी को दिखाना था, पर शुभ मंगल ज्यादा सावधान का मैसेज एक सिचुएशन को दिखाना था कि घर में आखिर क्या फेस करते हैं गे कपल, उनके साथ समाज में क्या बिहेव किया जाता है, आखिर घर वाले कैसे कन्विंस होते हैं और बाकी सारी सिचुएशन जो फिल्म में वो दिखाना चाहते थे। फायदा फिल्म में सारी चीजें दिखाई है। आयुष्मान खुराना एक ऐसे एक्टर है जो अपनी अपने रोल को ना एकदम रियल टाइम में जीते हैं। वो मतलब अपने आप को फील कराते हैं कि वो है, एक्चुअल में सिचुएशन फील होती है उनकी देख कर कि यार वो बंदे में बात है, वो करता है अपने रोल को प्ले करता है, वो मेहनत करते हैं अपने रोल के लिए और ये सारी चीजें ना उनकी फिल्म में दिखती हैं। फिल्म में एकदम रियल नेचुरल शूट किए गए हैं, इलाहाबाद की टिपिकल फैमिली दिखाई गई है। वो प्यारे प्यारे नोकझोंक वाले मम्मी पापा के डायलॉग और अपने बच्चे को डांटना मारना, यार ये गलत है ये सही है, बाकी सारी सिचुएशन जो दिखाई गई है वो एकदम फिल्म में फिट होती है। फिल्म का म्यूजिक थोड़ा धीमा धीमा है पर हम ये बोल सकते हैं कि जो गाने रीमेक किए हैं वो अच्छे हैं पर जो न्यू गाने हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। फिल्म को ओवरऑल मैं 5 में से 4.5 स्टार देती हूँ क्योंकि एक स्टार तो आयुष्मान खुराना के लिए, एक उनके डायरेक्शन के लिए फिल्म का और एक जो सेट लोकेशन है उसके, एक प्यारी प्यारी फैमिली के लिए, और हाफ स्टार काटती हूँ मैं उसके म्यूजिक के लिए क्योंकि म्यूजिक और अच्छा हो सकता था फिल्म का। और बाकी ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स आप ये फिल्म देखने जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रिव्यू और फिल्म कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।